जय हो भोले बाबा की। तो भाई ये आफ्टर शूट है, यात्रा मेरी पूरी हो गई है, वीडियो भी मैंने कंप्लीट कर दी है, लेकिन इसको शुरू में इसलिए डाल रहा हूँ कि जो लोग भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को पूरा देखना भाई, नहीं तो अधूरा देख के कोई लाभ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में बहुत सारी पौराणिक बातें और बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मैंने देने की कोशिश करी है। ये 10-12 मिनट का वीडियो जितना भी बनेगा, इसको देखना हो तो पूरा देख लेना, नहीं तो अभी छोड़ देना भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो तो ये वीडियो शुरू करते हैं। जय बाबा भोलेनाथ की। साथियों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो आगे के ये 2 मिनट ज़रूर देखना। मैं बाबा भोलेनाथ के शिव खोड़ी के दर्शन करके आ गया हूँ, और दर्शन करने के बाद जो मैंने अनुभव किया वो वाकई कमाल है। जिस तरह आप, क्योंकि कैमरा वहाँ ले जाना अलाउ नहीं है, और क्योंकि कैमरा वहाँ ले जाना अलाउ नहीं है और मैं आगे का दिखा नहीं पाया, तो अभी आके मैंने दर्शन करके और ये मोबाइल हाथ में लिया है। पीछे जो आप ये जो गुफा देख रहे हैं, ये टीन शेड झंडा, ये यहाँ पर ये पवित्र गुफा है, और अंदर तकरीबन 50-100 मीटर पत्थरों के बीच में रगड़ रगड़ के रगस के जाना होता है, लेट के बैठ के जाना होता है, और अंदर जाके पूरा एक बहुत बड़ा दरबार है। वहाँ पे स्वयंभू भोलेनाथ विराजमान है, माता पार्वती विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, नंदी जी विराजमान है, गौ माता, गंगा माता, सभी वहाँ पे विराजमान है, पूरा परिवार वहाँ पे विराजमान है। और ऐसा नहीं है कि वो गढ़ दिया गया है या ऐसे ही समझा दिया गया है, संपूर्ण रूप से देखने पे आपको पूरा आभास होता है कि हाँ, ये भोलेनाथ हैं, ये माता पार्वती हैं, शेषनाग हैं, 7 मुखी या 11 मुखी, जो पूरा भरपूर, और पूरा दरबार एक छत्र बना हुआ है, सब प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, कोई उसमें आर्टिफिशियल काम नहीं किया गया है, सब कुछ प्राकृतिक रूप से है। और मैं बहुत साल से माता रानी के दरबार में आता रहा हूँ, और भी कई तीर्थ स्थानों पर गया हूँ, अंदर खड़े होकर एक अजब अनुभूति यहाँ पे होती है, और इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मेरा जो भी आप लोग आ सकते हैं ज़रूर आएँ एक बार, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, रास्ता भी आसान है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो बाबा के दर्शन बर्फानी रूप में अमरनाथ में नहीं कर सकते, वे शिव खोड़ी आके भोले बाबा के दर्शन करो, बहुत सुंदर, आपको मन में तृप्ति होगी, बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत पवित्र ये जगह है। बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से पूरा दरबार प्रकृति के रूप में सजा हुआ है, बहुत पौराणिक कथाएं भी हैं, आप गूगल पे इसको ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ा, और भोलेनाथ और सभी देवता, 33,000 करोड़ देवता इस गुफा में जाके छिप गए, फिर विष्णु जी ने एक कन्या का रूप धर के और भस्मासुर को भस्म किया, ये पूरी एक पौराणिक कथा हमें मिल जाएगी, इंटरनेट पर भी और धारावाहिकों में भी इसको बताया गया है। तो अगर आपके पास समय है, आप माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आए हो, और एक दिन यहाँ पे ज़रूर दो, सुबह 8:30 बजे करीब वहाँ से गाड़ी बसें चलती हैं, शेयर बसें, वो शाम को 7-8 बजे आपको कटरा छोड़ देती हैं, कटरा से चलकर, और बहुत सुंदर अनुभूति। अभी तो सुबह सुबह का समय है, तकरीबन 10 बजे होंगे, तो अभी भीड़ कम है, जो गार्ड साहब हैं उन्होंने मुझे बताया कि दोपहर 2 बजे के बाद तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है। तो पवित्र गुफा से जाया जाता है, प्राकृतिक गुफा से, और आने के लिए एक नई गुफा सन 2006 में बना दी गई थी, जिससे वापसी करते हुए श्रद्धालुओं को आने वाले श्रद्धालुओं से टकराव ना हो, क्योंकि एक एक व्यक्ति ही बड़ी मुश्किल से चिपक चिपक के निकल पाता है। हाँ जी साहब, हम राजस्थान से आए हैं, जयपुर से जी, और यहाँ पहले तो आए वैष्णो देवी। हाँ। वैष्णो देवी से हम चले गए भैरू की गए। हाँ। भैरू जी से वापस रवाना हो गए, हमने बोले शिवखुड़ी चलेंगे। अच्छा। शिवखुड़ी में आए हमने देखने के लिए, मन के साहब हमारे साथ। तो कब पहुँचे आप यहाँ? हम कल शाम को आ गए थे। अच्छा, फिर रात में यहीं रुके? रात को यहाँ होटल ले लिए। हाँ। और वहाँ ठहर गए रात को, और सुबह यहाँ आराम से हम दर्शन करने पहुँच गए। तो अब हो गए बाबा के दर्शन? अब बाबा के ऐसे दर्शन हुए, बहुत ही शानदार, मतलब वैष्णो देवी के जो है ना, इतनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी मतलब आदमी का सही ढंग से दर्शन नहीं हो पा रहे। यहाँ पे भोलेनाथ की ऐसी मर्जी है, ऐसे दर्शन हुए बहुत ही गजब। और मैं रास्ता भी देख रहा था, इतना साफ इतना साफ सुथरा, बहुत ही मतलब एकदम ऐसा लगता है प्रकृति की गोद में, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, आराम से मतलब यात्री आ सकते हैं, लेडीज आओ चाहे जेंट्स आओ, कोई दिक्कत नहीं है यात्री के लिए। वैष्णो देवी आके यात्री घर चले जाते हैं, एक बार यहाँ भी जरूर आना, यहाँ जरूर आना, बहुत ही सबसे बेस्ट है।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो यहाँ पर कुछ राजस्थान से आए श्रद्धालु मुझे मिल गए हैं, तो आइए जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। जी बताइए, आपका परिचय बताइए और कैसा अनुभव रहा। मेरा नाम कन्हैयालाल गुजर है जी, और मैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर से आज से 2 महीने पहले ही रिटायरमेंट हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। और हमारा एक जो ग्रुप है जी, रिटायरमेंट के बाद पुलिस के रहते हुए तो टाइम में नहीं मिलता है, हाँ जी। लेकिन अब जब मुझे थोड़ा फुर्सत मिली तो हम मेरे ग्रुप ने हमने एक योजना बनाई कि हम वैष्णो देवी जी के। चलिए, अब रिटायरमेंट पे आप लोगों को वैष्णो दर्शन करा के लाता हूँ। हाँ, तो हम यहाँ वैष्णो देवी जी के दर्शन किए, और वैष्णो देवी के नौरता होने की वजह से काफ़ी भीड़ है और उसकी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कुछ नहीं, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं। और फूलों का जो इस बार, और अब की बार ऐसा मालूम हुआ कि कोई दिल्ली की पार्टी थी जिन्हें 2 करोड़ रुपए का उसका जो फुलवारी की है, एक दवाई की कंपनी है उसने वो सारी बुक किया है, और इतना बढ़िया किया है कि एक मतलब देखने लायक चीज़ थी। उसके बाद हम भैरू जी के गए, हमारा पूरा ग्रुप गया, और हमने क्योंकि वो थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा थी इसलिए घोड़े उपयोग में लिए, और हमने वहाँ जा कर के और उनके भैरू जी के दर्शन किए। भैरू जी के दर्शन करने के बाद हमारे को किसी ने कहा कि यहाँ शिवखुड़ी में एक शिव जी की बहुत बड़ी गुफा है, उसको देख के बहुत ज़रूरी है जाना आपको। तो हम सारे ग्रुप ने मिला करके हम रात को, कल शाम को हम यहाँ आ गए और होटल लेके रहे थे, और सुबह हम बिल्कुल तैयार हो करके नाश्ता वगैरह करके फिर हम यहाँ शिव जी के दर्शन में आए। और हमने ये जो गुफा देखी जी, तो देखो जैसा सुना उससे हमको कहीं अच्छा ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना सुंदर, पहाड़ों से ऐसे घिरा हुआ हरा भरा कि जो इतना अच्छा लग रहा है जी, जिसका मतलब कोई मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम इस तरह की यहाँ व्यवस्था है। सुकून मिलता है बिल्कुल, आँखों को मतलब एकदम से जैसे एक डॉक्टर इलाज देता है उससे भी ज़्यादा बढ़िया, इस तरह की हरियाली से आंखों पर बहुत बढ़िया मतलब एक अच्छा असर होता है। तो जो श्रद्धालु जैसे बर्फानी के बर्फीले रूप अमरनाथ जी नहीं जा पाते, वो यहाँ आ सकते हैं बाबा? बिल्कुल आ सकते हैं, और इतनी बढ़िया गुफा, यहाँ पे माहौल है, ये करीब गुफा में ही दर्शन है, यहाँ भी करीब यहाँ पत्थर स्वरूप दर्शन है, तो वहाँ शिवलिंग बर्फ का बनता है, तो यहाँ पे आके भी दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने यहाँ जो गुफा देखी ये करीब 500 मीटर की लंबी घूम करके है, और जो वास्तव में जो जो हम लोगों ने कहा कि ये इतना सुंदर और इतना बढ़िया है, वो इतना बढ़िया है कि शायद हम पहली बार देख करके हमारी आत्माएं इतनी गदगद हो गई कि आदमी को एक बार पूरे मतलब ज़्यादा भी नहीं तो अपने भारतवर्ष में जो अच्छे जो हमारे तीर्थ स्थान हैं हिंदुओं के, उनके दर्शन करना चाहिए। इससे क्या कि एक आत्मा को शांति मिलती है, और एक इससे आदमी का ज्ञान का और एक जानकारी का एक विकास होता है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की जय। जी मैं एक शिव खोड़ी के बारे में इतने दूर से आके एक बहुत विशेष चीज़ देखी है, जो साक्षात भगवान का रूप देखा है यहाँ पर। जितना भी इस पहाड़ों के बीच में शिव जी साक्षात कैसे विराजिर, कहाँ इतनी बड़ी गुफा के अंदर जब दर्शन की तो आँखों में आंसू आने लग जाते हैं, और रोम रोम खड़ी हुई है, और ऐसा लगता है मैं आज साक्षात भगवान के सामने, शिव परिवार के सामने खड़ा हूँ। और इतनी देर 10 मिनट तक तो मेरे शरीर पर कंपन मान हुआ है, और ये अंधेरे पहाड़ों के अंदर उजाला करने के लिए शिव परिवार शिव भोले पधारे हैं, और गंगा मैया पधारी साथ में। धन्य हो जय हिंद। मैं तो इस शिव भोले बाबा की जो इस शहर पे जहाँ पे जंगल विराट जंगल के अंदर जहाँ कहाँ इंसान आए होंगे, जब बाबा ने आज यहाँ पे रास लीलाएं रची है, तो ऐसे शिव परिवार को धन्य। और गुफा में जो साक्षात शिव भोलेनाथ ही हैं, और ऐसा रूप कहीं देखने को नहीं मिला। अमरनाथ से भी देखा मैंने, लेकिन ऐसा रूप बाबा का पहली बार इस सृष्टि पे देखा, जो इन्होंने साक्षात सृष्टि रचने के बाद में यहाँ पे ही इन्होंने कोई तपस्या की है बहुत। और यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, यहाँ का रहन सहन बहुत प्यारा लगा। आने वाले श्रद्धालुओं पे यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं किया जाता, बड़े प्रेम से बोलते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, और इन पहाड़ों के अंदर इतना प्रेम मिला, ये सुकून मिला जिसका कोई हम आंकलन नहीं कर सकते। जय धन्य। सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद है, और आने वाला निडर निसंकोच यहाँ पे तीर्थ यात्रा करके जाता है। धन्य हो शिवगुड़ी। तो चलो दोस्तों, बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो गए, शिवखोड़ी के दर्शन हो गए, अब वापस चलते हैं, अपना वही मार्ग वापसी लेते हैं, और यहाँ से तकरीबन 1 घंटा वापसी का मुझे लगेगा,
और फिर वापस अपनी गाड़ी लेके और सीधे जम्मू की तरफ रुक करेंगे। तो चलिए चलते हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। तो बहुत सुंदर ये मेरा अनुभव रहा, मन बहुत ज़्यादा भावुक है, उद्वेलित है और बड़ा आनंद आया इसको देख के। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक कर ही दीजिए बाबा भोलेनाथ के नाम पर, और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की अच्छे अच्छे सुंदर पावन स्थानों की मैं यात्राएं अपने साथ आपको कराता रहूं। और खेती बाड़ी की बात तो होती ही रहेगी, तो जहां भी मैं जाता हूं वहीं की वीडियो मैं बनाता हूं। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक देखने के लिए। जुड़े रहिए अपने चैनल ऑर्गेनिक फार्मर से। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।